शांति, आज बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया? तो बाबा ने कहा, बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं, बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वे जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है या डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल रौरव नरक है, नरक का ही है। बाबा कहते, दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है, कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम यानी फकीर लोग कहते थे, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं, मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, बाप समझाते ही ऐसे हैं, चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं, बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधायमान हूँ,
आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंत मति सो गति वह इस समय के लिए ही कहा गया है, ये अंतकाल है ना, बाप युक्ति बताते हैं। मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है, पतित से पावन, पावन से पतित बनना है, यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, है बहुत सहज, परंतु युद्ध कौन सी है यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है, बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं, कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। ये भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया, ये है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्मभिमानी बनो। सत्युग में भी ऐसा नहीं कहेंगे, नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसमें भी नंबर 1 ये ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। ये पहले पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहते गोया सब के लिए समझ जाते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वे नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता। यह देहधारी है वह विदेही विचित्र है, लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में, प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं, मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है, आत्माएं वहाँ रहती हैं, तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि
कुछ भी नहीं जानते। वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। पांच विकारों का उनको पता ही नहीं रहता। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती, छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं, सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूदा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ, कुदरत कहते हैं ना। आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है, जैसे बाबा वंडरफुल वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके, इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे ये तो अनादि है, प्रलय होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं। गीता भागवत महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है ये भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वे नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रणियां भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं। इसीलिए पुकारते भी हैं हे पतित पावन। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितना बार राजाई ली थी, कल की ही बात है।
कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो, पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं, कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शन आदि करते हो, नथिंग न्यू, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, यह सब है पुजारी पने की सामग्री, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं, आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं, वह अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट्स तुमको समझाते रहते हैं, आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होंगी, फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं, व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है, फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं, यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे, अच्छी दीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं, गिरे हो फिर चढ़ो, ऐसे बहुत है, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़ी करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे, पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे, अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो, बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। आत्मा बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं, तो तीर तो जरूर लगेगा, समझो स्त्री को तीर लग जाए जाता है तो कहेंगे, हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, तो कहते हैं, स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं, ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं, तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है, ये देह भी मेरी नहीं।
अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके, विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्यंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है जो मन से सदा संतुष्ट है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो आत्मा मन से सदा हर हाल में हर बात में संतुष्ट रहती है इसका मतलब वो आत्मा डबल लाइट है। अच्छा आज 5 तारीख आज बाबा आएंगे तो आज बाबा मिलन का दिन है तो हम सब बच्चे प्यारे बाबा की याद में आज सारा दिन रहेंगे और शाम को बाबा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। अच्छा ओम शांति।